हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। और बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके ट्वेल्थ क्लास में। और ट्वेल्थ क्लास में आज फिजिक्स में हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स को अगर हम बेसिकली बात करें तो इसकी जो पहली यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स आज हम शुरू करते हैं। तो इसका पहला टॉपिक जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात ये आती है कि बच्चों, ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? सोचिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही होगी, जबकि आप लोग चार्ज के बारे में समझते हैं, आपने उसका बहुत ज्यादा यूज कर रखा केमिस्ट्री में भी, बट चार्ज है क्या? तो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी डेवलप्ड एट एनी ऑब्जेक्ट बाय विच इट कैन अट्रैक्ट द अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। या इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी डेवलप्ड एट एनी ऑब्जेक्ट बाय विच इट कैन फील्स अ फोर्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में उस बॉडी को रख दिया जाए तो वो कुछ फोर्स को फील करे। इसकी शुरुआत बच्चों कैसे की गई? सबसे पहले ये देखा गया कि अगर एक ग्लास रॉड को, किसको बच्चों, ग्लास रॉड को हम रब कर देते हैं, किस पर? इसको हम रब करते हैं सिल्क क्लॉथ पर। किस पर रब करते हैं? सिल्क क्लॉथ। तो हमने देखा कि सिल्क क्लॉथ पे रब कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। और रब करने के बाद अगर इनको दोनों को बहुत पास पास लाने की कोशिश करें तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करने लगते हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। जबकि अगर हम इबोनाइट रॉड को, एक इबोनाइट की रॉड लेते हैं, इबोनाइट की रॉड को फर पे रब करते हैं, किस पे रब करते हैं बच्चों? फर पे। फर मतलब समझते हो, कैट स्किन, ठीक है, उस पे रब कर देते हैं। और इबोनाइट और ग्लास रॉड को पास पास लाते हैं, मतलब हमने क्या किया, ग्लास रॉड को रब किया सिल्क क्लॉथ पे और इबोनाइट को रब किया फर पे, और फिर इबोनाइट और ग्लास रॉड को रब करने के बाद पास पास लाते हैं। देखा गया जब इनको पास पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वहीं अगर एक सिल्क क्लॉथ पे पहले हमने ग्लास रॉड रब की और फिर दूसरी ग्लास रॉड भी रब की और उन दोनों ग्लास रॉड को पास पास लाते हैं तो देखा गया कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। फ्रैंकलिन जी ने इस बात को बताया कि जो रब करने के बाद इनमें अट्रैक्शन हो रहा है तो इन्होंने कहा ये अपोजिट चार्ज होंगे। और जब दो सेम रॉड को, जैसे दो ग्लास रॉड हैं, किसी सिल्क पे रब किया और रब करने के बाद उनको पास लाए, उनमें रिपल्सन हुआ, इन्होंने कहा अगर रिपल्सन होता है तो इन पे सेम चार्ज होंगे। और इन्होंने बताया फ्रैंकलिन जी ने कि चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज एक होता है निगेटिव चार्ज। फ्रैंकलिन जी ने चार्ज को दो नाम दिए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। और इन्होंने बताया कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे जैसा चार्ज आता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये है पॉजिटिव चार्ज। सिल्क क्लॉथ पे जैसा चार्ज आता है ये होता है निगेटिव चार्ज, ठीक है। जबकि फ्रैंकलिन जी ने कहा जो इबोनाइट पे चार्ज आता है ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और फर पे जो चार्ज आता है वो क्या होता है, वो होता है पॉजिटिव चार्ज। ये फ्रैंकलिन जी का एंजुम्सन था, ठीक है। इन्होंने कहा कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं
और इबोनाइट रॉड को फर पे रब करते हैं, फिर इबोनाइट और ग्लास रॉड को पास पास लाते हैं तो दोनों एक दूसरे से क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। इनमें जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आई है ये क्या है, यही तो चार्ज है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि सिल्क क्लॉथ पे जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं तो जो प्रॉपर्टी डेवलप हुई ग्लास रॉड पे उसी को बोलते हैं चार्ज, जो इबोनाइट प्रॉपर्टी डेवलप हुई उसको बोलते हैं चार्ज। अब इन दोनों को पास पास लाए थे, दोनों क्या कर रहे थे, अट्रैक्शन अट्रैक्शन कर रहे थे। इसका मतलब दो चार्ज जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके बीच एक फोर्स लगता है, ठीक है। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ से बच्चों ये पता चल गया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये दूसरे पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है। और दो निगेटिव चार्ज जब पास पास आते हैं तो इनमें क्या होता है बच्चों, इनमें होता है रिपल्सन। रिपल्सन। और जब एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज के पास आता है तो इनमें कैसा फोर्स लगता है, तो ये एक दूसरे को एक दूसरे के पास लाते हैं, पास लाते हैं मतलब इनमें कौन सा फोर्स डेवलप होता है, तो यहाँ डेवलप होता है अट्रैक्शन। तो बच्चों फ्रैंकलिन जी ने बता दिया कि दो तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं कि चार्ज क्यों डेवलप हुआ, दो ऑब्जेक्ट को रब करने पे चार्ज क्यों डेवलप हुआ, इस बात पे बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये देखा गया कि जब ग्लास रॉड को सिल्क पे रब करते हैं तो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, जबकि सिल्क क्लॉथ पे जो चार्ज आता है उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव चार्ज। ऐसे ही जब इबोनाइट को फर पे रब करते हैं तो इबोनाइट पे कैसा चार्ज आ जाता है, निगेटिव, और फर पे कैसा आ जाता है, पॉजिटिव। बात ये आई बच्चों कि इनको आपस में रब करने पर इनमें चार्ज क्यों डेवलप हुआ। वैसे तो मैं बता दूं कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं तो रब करने से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाता है, ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं, इसलिए ग्लास रॉड पॉजिटिव और सिल्क क्लॉथ निगेटिव हो जाता है। जबकि जब हम इबोनाइट को फर पे रब करते हैं तो फर की इलेक्ट्रॉन की बाउंडिंग पावर कम होती है, जिससे कि उसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और निकल कहाँ चले जाते हैं, इबोनाइट पे, जिससे कि इबोनाइट निगेटिव और फर पॉजिटिव हो जाता है। बट ग्लास पॉजिटिव हुआ और सिल्क निगेटिव हुआ क्यों, इस कैसे हुआ, इसको हम लोग समझते हैं। तो बच्चों होता क्या है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ऐसा हमारी एटॉमिक थ्योरी कहती है। क्या कहती है, एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब उसका नेट चार्ज जीरो होता है। नेट चार्ज क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, ठीक है। क्यों नेट चार्ज जीरो होता है, क्योंकि किसी भी एटम की बात करो, मान लो आप सोडियम की बात करो तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, एटॉमिक वेट कितना होता है, 23। तो हमको यह पता है कि सोडियम में न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन की नंबर होंगे 12, ये माइनस ये, और प्रोटॉन कितने होंगे, तो प्रोटॉन के नंबर होंगे जो एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आपको पता है किसी भी एटम पे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने उस पे प्रोटॉन होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6×10⁻¹⁹ कूलाम चार्ज होता है। जबकि एक प्रोटॉन की अगर मैं बात करता हूं तो इस पे +1.6×10⁻¹⁹ कूलाम होता है, ये चार्ज, कूलाम क्या है, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब बच्चों है क्या कि अगर किसी एटम पे जितने प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज उससे निकल आएगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन उनका निगेटिव चार्ज निकल आएगा, लेकिन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर है और अपोजिट है,
इसका मतलब जितना किसी पर पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटॉन्स, उतना ही उस एटम पे निगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स वाई द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मीन्स देर इज नो चार्ज एट द एटम इन द नॉर्मल सिचुएशन। अब एक एटम पे बच्चों कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब जब कोई हम नॉर्मल अगर हम कोई पीस ले लेते हैं किसी मेटल का, ठीक है, मान लीजिए हम इस पेन की बात करते हैं, तो हमको पता है इसमें बहुत सारे एटम होंगे। बहुत सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं, ये कोई भी सब्सटेंस बनाते हैं। अब इसे बहुत सारे सब्सटेंस में एटम है, इस सब्सटेंस में बहुत सारे एटम है, इस और हर एटम का नेट चार्ज क्या है, जीरो। तो इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका सबका जीरो। इसका मतलब पूरे सब्सटेंस के किसी पीस का भी नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। किसी बॉडी पे नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है नॉर्मल सिचुएशन पे, ठीक है। अब बच्चों होता क्या है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर रब करते हैं, देखो पहले तो किसी ऑब्जेक्ट पर नेट चार्ज जीरो, क्यों, क्योंकि उसमें जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, भाई हर एटम पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम, तो हर आइटम न्यूट्रल होता गया, इसीलिए पूरा सब्सटेंस न्यूट्रल। मतलब किसी सब्सटेंस के पीस में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मल सिचुएशन में, उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। बट जब एक ऑब्जेक्ट को हम दूसरे ऑब्जेक्ट में रब करते हैं, जैसे हमने ग्लास को रब किया सिल्क के साथ, तो ग्लास की इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की पावर कम है, इसकी इलेक्ट्रॉन की बाउंडिंग पावर कम है, जिससे कि इसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके निकल जाता है। अब एनर्जी कैसे मिली, भाई ग्लास को आपने सिल्क क्लॉथ पे रब किया, रब किया होगा तो क्या किया होगा, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। उस हीट की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क में चले जाएंगे। इसका मतलब ग्लास के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, सिल्क में चले गए। तो इसमें देखिए पहले क्या था, इसमें जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, मतलब नेट चार्ज जीरो था। अब यहां पर प्रोटॉन तो बचे लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो अपना निगेटिव वाला चार्ज लेकर जाएंगे ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपना निगेटिव चार्ज ले गए तो प्लस वाला हो गया ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज इफेक्टिव हो गया। ऐसे सोचो बच्चों कि जैसे ग्लास में मान लीजिए पहले 20 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज था और 20 कूलाम का निगेटिव चार्ज था, हमने ग्लास को सिल्क पर रब किया, रब किया तो देखो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर आउटर मोस्ट सिल वाले बाहर निकल गए और वो चले गए सिल्क में। तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो वो अपना निगेटिव चार्ज लेकर जाएंगे। हो सकता है हम कहते हैं चलो कि -2 कूलाम, ऐसा हम लेट कर रहे हैं, ये -2 कूलाम लेके यहाँ पे चले गए। अब इस पे बचेगा क्या, पहले ये था, बाद में बच्चों क्या बचेगा, -2 तो ट्रांसफर हो गया, यानी कि अब इस पे पॉजिटिव बचेगा 20 और निगेटिव वाला कितना बचेगा 18, क्यों, क्योंकि 2 कूलाम तो इधर जा चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। इसका मतलब क्या हो गया, ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आ गया, देखो अब इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, पहले क्या था +20 -20 जीरो, अब क्या होगा +20 -18, यानी कि ये हो गया टोटल ओवरऑल +2 चार्ज, कितना चार्ज हो गया इस पे +2 कूलाम। और जबकि ये -2 कूलाम लेकर यहां आया तो इस पे वही बात है कि पहले ये क्या रहा होगा न्यूट्रल, अब -2 एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा आ गया तो क्या बन गया, निगेटिव चार्ज बन गया। सेम ऐसे अगर हम इबोनाइट को फर पे रब करते हैं तो इबोनाइट और फर के जो फ्रिक्शन होता है उनके बीच रब करने से, उस फ्रिक्शन से कुछ इलेक्ट्रॉन फर से इबोनाइट में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिस वजह से इबोनाइट जो होता है वो निगेटिव चार्ज हो जाता है, जबकि जो फर है ये कैसा हो जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि कुछ चार्ज, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ जाते हैं, वो अपना चार्ज लेकर आते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब दो चीजें आपस में रब की जाती हैं तो एक का चार्ज दूसरे पर चला जाता है, एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे पर चले जाते हैं, और हर सब्सटेंस की अलग अलग इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता कम होती है उसके इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाते हैं, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉनों को जल्दी लूज कर देगा। जिसको इलेक्ट्रॉन की बाउंड करने की पावर कम होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेगा उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ही चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है।
और बच्चों सबसे बड़ी बात हमको यहाँ पे ये क्लियर हो गई कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकल जाते हैं, और निगेटिव बॉडी पे इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, कम होते हैं, जबकि निगेटिव चार्ज बॉडी पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं। इसको जैसे बनाते हैं हम यहाँ, कि पॉजिटिव चार्ज जो बॉडी होती है इसमें क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो निगेटिव चार्ज बॉडी होती है इसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई निगेटिव चार्ज बॉडी है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कुछ एक्स्ट्रा आ गए होंगे कहीं से, वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करेगी, जबकि जो निगेटिव हो जाती है, जो पॉजिटिव हो जाएगी वो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करेगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी को शो करेगी। अब आपसे अगर कोई पूछ दे कि दो ऑब्जेक्ट इक्वल मास के थे, कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं पहले न्यूट्रल थे, उनको रब किया, चार्जिंग प्रोड्यूस हुई, जैसे ये पॉजिटिव हो गया ये निगेटिव हो गया, तो क्या यहाँ से यहाँ कुछ मास भी ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग चार्ज, चार्ज को डेवलप करते समय क्या मास का भी ट्रांसफर होता है? तो हमारा आंसर होगा यस। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लें कि दो ऑब्जेक्ट एम मास के थे, हम कहते हैं इसका मास एम था, इसका मास एम था, और इन दोनों को आपस में रब किया, रब करने के बाद क्या हुआ बच्चों, कि यहां से इस पे क्या प्रोड्यूस हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे क्या प्रोड्यूस हो गया, निगेटिव चार्ज। तो बच्चों क्या हुआ होगा, सीधी सी बात है कि जब इनको हमने रब किया होगा तो पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचे होंगे, निगेटिव वाले, तभी तो ऐसा हुआ होगा, पहले इसके चार्ज जीरो, इसका चार्ज जीरो, और जब रब किया तो इस पे पॉजिटिव आया, इस पे निगेटिव आया, इसका मतलब इस पहले वाले ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में चले गए होंगे। जब इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो वो अपना मास लेकर भी जाएंगे, हमको पता है ना इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻³⁻¹ किलोग्राम, क्या होती है 9.1 × 10⁻³⁻ किलोग्राम, होता तो बहुत हल्का है, लेकिन बच्चों जा तो रहा है, तो पहले दोनों का मास है, अब इसका कुछ मास इलेक्ट्रॉन लेकर यहां पहुंच गए तो इसका मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसका मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसका मतलब जो निगेटिव चार्ज बॉडी होती है उसका मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाती है उसका मास डिक्रीज हो जाता है। वो बात अलग है कि ये डिक्रीमेंट और ये इंक्रीमेंट बहुत थोड़ा होता है, मतलब माइन्यूट सा होता है, इसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, बट हमारा आंसर ये होगा कि चार्ज को ट्रांसफर करते समय मास भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसको पहले आप लोग फटाफट इसमें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। अभी तक हम लोगों ने चार्जिंग बाई फ्रिक्शन पढ़ लिया, अब देखिए चार्जिंग बाई इंडक्शन कैसे होता है। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेरण, मतलब किसी को देख के कुछ सीख लेना, ये क्या होता है, प्रेरण होता है हमारे अंदर इंडक्शन होता है। वैसे ही अगर कोई एक चार्ज्ड बॉडी है और दूसरी कंडक्टिंग अनचार्ज्ड बॉडी है, तो चार्ज्ड बॉडी को जब कंडक्टिंग अनचार्ज्ड बॉडी के पास लाते हो तो इनको बिना टच किए ही कुछ चार्ज इस कंडक्टिंग बॉडी पे डेवलप किया जा सकता है। देखो कि विदाउट टचिंग एक बॉडी से दूसरी बॉडी को चार्ज करना, यह कहलाता है इंडक्शन। तो चलिए बच्चों अब हम इंडक्शन की बात करते हैं। तो होता क्या है कि इंडक्शन हमेशा कंडक्टर में होता है, किसमें होता है, कंडक्टर में होता है। क्यों होता है कंडक्टर में, इसकी हम अभी चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि जैसे आपके पास दो कंडक्टिंग बॉल्स हैं, कैसी बॉल्स हैं, कंडक्टिंग, ये ए बॉल है और ये बी बॉल है, ठीक है, और इसके बगल में हमने एक चार्ज्ड बॉडी को रख दिया, ये बॉडी कैसी है, ये चार्ज्ड है, ये चार्ज्ड बॉडी है, और हम ये चाहते हैं
कि इस चार्ज्ड बॉडी की हेल्प से हम इन पे चार्ज डेवलप करें लेकिन बिना टच किए। तो ये चीज पॉसिबल है केवल बाय इंडक्शन। कैसे पॉसिबल है जरा हम बात करते हैं बच्चों। अब बच्चों देखिए होता क्या है कि जैसे ये दो कंडक्टिंग बॉल्स हैं, ये कैसी बॉल्स हैं, कंडक्टिंग बॉल्स हैं, कंडक्टिंग बॉल्स। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन कंडक्टर पे हम चाहें तो इंडक्शन नहीं कर सकते, ये केवल किस पे होगा, ये कंडक्टिंग में होगा, ठीक है। अब देखिए अगर ये कंडक्टिंग बॉल्स हमने ले ली हैं, ठीक है, और अब हम इन दोनों को क्या करते हैं कि इसके पास लाते हैं, इस चार्ज्ड बॉडी के पास लाते हैं। तो क्या होता है बच्चों, देखिए एक तो ये चार्ज्ड बॉडी है, ये तो ऐसे ही रखो, ये हो गई हुँ? और इनको हम इसके पास ले आए तो ये कैसे बन जाएंगे डायग्राम, कुछ इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है। इस पर कुछ चार्ज था बच्चों, ठीक है। अब होता क्या है, ये देखा गया कि इस ए बॉल और बी बॉल में ए पर जो पॉजिटिव के करीब होगी उधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि इसके अपोजिट साइड इस साइड यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपके मन में पहले तो ये आता होगा कि ऐसा कैसे हो गया कि इस तरफ निगेटिव हो गया इधर पॉजिटिव हो गया। तो ज्यादा डीप में जानकारी चाहिए तो आइए बात कर लेते हैं बच्चों। है क्या कि जो दो कंडक्टर हैं, आपको पता है कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट रियलिटी में वहां पर केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते बच्चों, कंडक्टर में केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो कंडक्टर निगेटिव चार्ज हो जाता ना, लेकिन वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसके सेंटर एटम पे पॉजिटिव चार्ज भी होता है, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है पूरे कंडक्टर का, ठीक है। मीन्स हर जगह पॉजिटिव और हर जगह निगेटिव चार्ज होता है ऐसे, और पॉजिटिव निगेटिव हर जगह क्या हो रहा, बैलेंस हो रहा, ठीक है। अब है क्या कि जब इसके बगल में कोई आप पॉजिटिव चार्ज बॉडी रख देते हैं, जैसे यहां पे रख दिया था, तो देखो बच्चों हुआ क्या हुआ, इस पॉजिटिव चार्ज से इस कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट होते, फोर्स फील करते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन उधर से इस तरफ क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, पहले हर जगह न्यूट्रल था लेकिन यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए इधर के, कुछ शिफ्ट हो गए, और कुछ शिफ्ट होकर कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए इधर, तो यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, पहले तो प्लस माइनस बराबर था लेकिन अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो एंड कैसा हो गया बच्चों, निगेटिव चार्ज। जबकि यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, जब इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट हो गए तो ये एंड कैसा बिहेव करेगा, लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही इस बॉडी को दूर ले जाओगे फिर से इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह मोशन कर लेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, और फिर से ये दोनों बॉडी न्यूट्रल हो जाएंगी जैसे पहले थी, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो बच्चों यहां से एक चीज क्लियर हो गई है कि जब हम किसी कंडक्टर के पास, अनचार्ज्ड कंडक्टर के पास कोई चार्ज्ड बॉडी लाते हैं तो उसके पास में अपोजिट चार्ज क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए होंगे, निगेटिव इसलिए आया। अभी यही बॉडी निगेटिव चार्ज होती तो इधर पॉजिटिव आ जाता, इधर निगेटिव जाता, उल्टा वही हो जाता, ठीक है। अब बच्चों क्या है कि अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं कि ये दूसरा स्टेप हो गया, इन दोनों को पास लाए तो ऐसा देखने को मिला। थर्ड स्टेप में बच्चों हम क्या करेंगे, ये सेकेंड स्टेप हमारा हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम ये देखते हैं कि जैसे ये तो चार्ज्ड बॉल थी, इसको ऐसे बना लो, ये बॉल है और ये बॉल है, इन दोनों बॉल्स को थोड़ा सा बच्चों सेपरेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ए और बी की बॉल्स को सेपरेट कर। देखो इसके चार्ज में तो कोई अंतर नहीं आया, ठीक है, इधर निगेटिव था इधर पॉजिटिव था, और हमने इन दोनों बॉल्स को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, ऐसे रखी रहेंगे। अब हम फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं बच्चों, इस बॉडी को दूर उठा ले जाते हैं, इससे दूर हटा देते हैं, जैसे पहले थी दूर दूर वैसे दूर दूर कर देते हैं, मतलब ये वाली बॉडी तो यहीं बचेगी और इनको, इन बॉल्स को हम इधर उठा ले गए, कहीं दूर ले गए, ठीक है। मीन्स हम कह सकते हैं कि अब इसके इफेक्ट में वो बॉल्स नहीं रही, तब देखेंगे कि ये इंड निगेटिव ए बॉल पे और बी बॉल का ये वाला एंड जो होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं,
अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन बॉल्स के बीच का गैप बढ़ा देते हैं। जब गैप बढ़ा देंगे तो क्या होगा, देखो ये बॉल तो ऐसे रहेगी, ये ऐसे रहेगी, ये ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, ये ऐसे रहेगी, ये ऐसे रहेगी। मतलब अब ये सब एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पर हो गई, मतलब ये सब एक दूसरे को अब टच नहीं करेंगे, मतलब कहीं पर फोर्स नहीं लगा रही आपस में। तो ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसका निगेटिव चार्ज इस पर फैल जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इस पर फैल जाएगा। तो इस तरीके से जो चार्ज डेवलप करते हैं इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। देखिए इसमें कहीं चार्ज टच करके ट्रांसफर नहीं करेगा कि इसका चार्ज चला गया, मतलब इसका चार्ज अपना जैसा था वैसा ही बना रहा, लेकिन दूसरी बॉडी पे चार्ज आ गया। तो बिना टच किए चार्ज को ट्रांसफर करने का जो फिनोमिना है इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है बच्चों।